पलपल के सभी दर्शकों को शालू बत्रा का नमस्कार। स्वास्थ्य से संबंधित साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर पूजा बंसल, जो कि एक फेमस डाइटिशियन है और स्लिम फिट डाइट केयर के नाम से एक डाइट क्लिनिक चलाती हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करेंगे मोटापे के बारे में कि व्हाई एम आई नॉट लूजिंग माई वेट, हमारा वजन क्यों नहीं कम होता। तो सबसे पहले हम मिलते हैं डॉक्टर से। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत कोशिश करने के बाद भी कई बार हमारा वेट लूज नहीं होता, उसका क्या रीजन है? इसके कई रीजन है। बहुत सारे लोग हमें आके बोलते हैं कि हम लोग जिम जा रहे हैं और हम लोग डाइट भी कर रहे हैं, हमारा ट्रेनर हमें ये भी बता रहा है, वो भी बता रहा है, उसके बावजूद भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। मैं 2 साल से जिमिंग कर रही हूँ, मैं 2 साल से डाइट कर रही हूँ, लेकिन वो लोग किसी प्रोफेशनल, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर नहीं, अपने आप ही जैसे कहीं मील स्किप किया या कहीं उन्होंने जिमिंग मन किया तब चले गए, मन किया तब नहीं गए, उस चीज़ को लोग टाइम में काउंट करते हैं। लेकिन उसके पीछे रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, हम जैसे कि हमने पहले बताया कि मील स्किप करना, मील स्किप करना आपका वेट लॉस नहीं, वेट इंक्रीज करता है, वेट गेन कराता है। सेकेंड रीज़न, आपका विटामिन डी डेफिशिएंट होना। आपकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप वेट लॉस कितना भी करना चाहें, जब तक आपका वेट लॉस नहीं होगा। विटामिन डी को पूरा करने के लिए आप कुछ सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं, धूप में बैठना शुरू कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, तभी आप लोगों का विटामिन डी डेफिशिएंसी दूर होगा और उसके बाद आप अपना वेट लॉस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड रीज़न जो है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी आपका वेट लॉस का प्रॉब्लम आता है, वेट इश्यूज आते हैं। बहुत सारे लोगों को कस्टमाइज डाइट के बारे में नहीं पता कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हम क्या कस्टमाइज करें, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सभी लोगों को सभी तरह की चीज़ें पता है कि हम ये खा लें ये नहीं खाएं, तो लोग सोचते हैं कि मीठा छोड़ दिया वेट लॉस होना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। तो जैसे कई बार कोई लोग देखने में तो मोटे नहीं लगते लेकिन उनका वेट बढ़ता रहता है, मोटापा नहीं आता उनमें, वेट बढ़ता है, उसका क्या? मसल्स वेट भी बढ़ जाता है। अगर दिखने में मोटे नहीं लग रहे हैं तो मसल वेट भी बढ़ जाता है। अगर आप उसमें तरीके से कुछ एक कस्टमाइज डाइट प्लान लेते हैं, मैं आपको डाइट के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि आपको किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए, वो हम अंत में बताएंगे। अभी आप बाकी के क्वेश्चन जो भी हैं, तो हमें करना क्या चाहिए अगर हमारा वेट लूज नहीं हो रहा? वेट लूज नहीं हो रहा तो उसके लिए आपको अपने वर्कआउट का जो सिस्टम है उसको चेंज करना चाहिए। शॉर्ट इंटरवल्स पे आपको अपना खाना लेना चाहिए, कुछ खाने के अंदर ऑयल कंटेंट्स भी लेने चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैडम ने ऑयल कंटेंट मना करने की बजाय हाँ की है। देखिए, बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट का जाना बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में लुब्रिकेंट्स नहीं होंगे आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे, आपका वेट लॉस नहीं होगा। लुब्रिकेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप हमेशा देसी घी ही खाते रहें, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कूल प्रेस्ड, वर्जिन ऑयल्स, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। पूजा जी, वैसे एक बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी, बाकी क्वेश्चंस तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि डॉक्टर्स के पास मोस्टली हम जाते हैं ना, डॉक्टर रहते हैं आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, आपने ये नहीं खाना, लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप हमेशा खाने की चीज ही बताती रहती है। मुझे तो बैठे बैठे कई बार मुंह में पानी लगता है कि हम खाएंगे उन चीजों को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो सब लोग यही बोलते हैं कि मैडम आप सारा दिन हमें खाने के लिए ओके करती हैं, हाँ करती हैं और आप मना नहीं करती हैं। मैं ये बोलती हूँ कि हमेशा जब आप ज्यादा खाते हैं तभी आप फिट रहते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो फिट नहीं रहते। वेट लूज है मैं तो ही आप कह रहे हैं कि हाँ खाएं, राइट फूड खाएंगे तो आपका वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, ठीक है, करेक्ट चॉइस होनी चाहिए। आपकी चॉइस करेक्ट है तो आपको कम खाने की जरूरत नहीं है। तो आप हमें क्या डाइट प्लान बताएंगे इसके लिए कि हम कैसे प्रॉपर डाइट? वेट आपका कम नहीं हो रहा है तब, अगर वेट कम नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉपर डाइट के अंदर, जैसे कि लोग अमूमन ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं, तो ब्रेकफास्ट आपको कंपल्शन है कि लेना ही चाहिए। मॉर्निंग में आप मिल्क एंड एप्पल तो लेंगे ही, उसके साथ में कुछ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने चाहिए, जैसे कि उसमें आप ओटमील ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कुछ दलिया वलिया ले सकते हैं जो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, और कोई ब्रांच चपाती ले सकते हैं रेंडम वीक में 1 या 2 बार, और लंच टाइम में आप अगर चाहें तो ओट्स की चपाती ले सकते हैं, तो उसमें आप कोई भी साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दाल है, प्रोटीन के लिए आप ऐड कर सकते हैं उसमें, चिया सीड्स का रायता ले सकते हैं। दही में अगर आप ऐड करके लेते हैं चिया सीड को, तो आपकी बॉडी की प्रोटीन की, फाइबर की, ओमेगा 3 ओमेगा 9 फैटी एसिड्स की, सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और उसके बाद इवनिंग में आप एक ग्रीन टी का कप लें,
और एक मुट्ठी भर रोस्टेड चना उसके साथ में खा सकते हैं। कुछ पीनट्स वगैरह भी ले सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग। अभी जैसे विंटर की एंडिंग है और समर की स्टार्टिंग है, अभी तक पीनट भी चलेगा। और डिनर के अंदर आपका मिल्क फिर भी रिक्वायर्ड होना चाहिए। मिल्क आपको फिर से लेना है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। उसके साथ में एक आप कुछ भी फाइबर, ओट्स, फाइबर दलिया या फिर एक चपाती, साथ में कुछ ग्रीन वेजिटेबल और सैलेड्स। दाल आपको खानी चाहिए मोस्टली। कई बार लोग कहते हैं कि दाल नहीं खानी चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि कुछ लोग जो डायबिटिक हैं उन लोगों को भी हम दाल जो है डिनर में अवॉइड करने को बोलते हैं कि दाल आप खाइए लेकिन लंच में खाइए, क्योंकि हाई प्रोटीन है। वेजिटेरियन लोगों के लिए हाई प्रोटीन का सोर्स दाल, चना, सोया यही सब है। तो वो हाई प्रोटीन का सोर्स अगर हम डिनर में लेते हैं और उसके जस्ट बाद हम लोग अगर रेस्ट साइड पे जाते हैं तो वो डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए दाल अगर आप लंच में लेते हैं तो बेस्ट है। और अगर फिर भी उसके साथ साथ में भी कुछ कॉन्स्टिपेशन जैसा इश्यू है तो रात को अगर आपने कुछ हैवी खा लिया है तो 1 चम्मच त्रिफला या 1 चम्मच इसबगोल ये आप अपनी डाइट के अंदर एड ऑन करें। थैंक यू पूजा जी। अब एंड में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स हैं जो कि अगर मान लो कि पेशेंट है आपसे पर्सनली मिलना चाहें तो आपके क्या चार्जेस हैं? मुझसे मिलने के तो कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए मेरे साथ जो कंसल्टेशन करने के लिए आते हैं, मेरा कंसल्टेशन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम एक BMI स्कैन करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके बाद अगर वो चाहते हैं आगे कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना तो उसके जो चार्जेस हैं वो कस्टमाइज ही है, वो हम उनके अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग वो हम उनको क्लिनिक पे बता देंगे। बाकी मिलने के लिए बिल्कुल फ्री है, मिलने के लिए आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू पूजा जी। मिलने के लिए मैं आपको डॉक्टर साहब का एड्रेस बता देती हूँ, आप प्लीज नोट कर लीजिए। स्लिम फिट डाइट केयर सेंटर, ए ब्लॉक, 110 नंबर, बिहाइंड यूको बैंक। और कॉन्टेक्ट नंबर मैडम आपको बताएंगे, 9468375040। हमारे व्यूवर्स को हम एक और बात बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर कोई डिजीज है या आप कोई डाइट प्लान लेना चाहते हैं, किसी डिजीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, डॉक्टर मैम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हमें आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।